नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में। तो चलिए जानते हैं मुंबई में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है संजय गांधी नेशनल पार्क। शहर की भीड़ भाड़ से आरामदायक समय बिताने के लिए यह एक शांत और खूबसूरत जगह है जो मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित है। बोरीवली इलाके में स्थित होने के कारण इस जगह को बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटक यहाँ पर हिरण, लंगूर, लोमड़ी जैसे कई वन्य जीव की प्रजाति देख सकते हैं। नंबर 9 पर है एसल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम। यह मुंबई शहर में स्थित सबसे बड़ा थीम पार्क और वाटर पार्क है। यह दोनों जगह एक दूसरे के पास में स्थित है जहां पर पर्यटक दोनों जगह पर एक साथ घूम सकते हैं। यहां पर हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ बना हुआ है और इसीलिए वीकेंड्स में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने के लिए यह एक आदर्श जगह है। नंबर 8 पर है हाजी अली दरगाह। यह दरगाह सभी धर्मों के लोगों की आस्था का प्रतीक है जो परली समुद्र तट के एक छोटे द्वीप पर बनी हुई है। यहाँ पर बाबा हाजी अली शाह बुखारी की कब्र स्थित है जो श्रद्धालुओं में काफी लोकप्रिय है। श्रद्धालु के अनुसार यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। नंबर 7 पर है रेड कार्पेट वैक्स म्यूजियम। यह शानदार म्यूजियम मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित है जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैक्स म्यूजियम है। यह म्यूजियम यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को रेड कार्पेट इवेंट का एहसास दिलाता है। इसके साथ साथ पर्यटक यहाँ पर फिल्म जगत, खेल जगत और राजनीति से जुड़े कई मशहूर हस्तियों के स्टैचू देख सकते हैं। यह म्यूजियम सुबह 9:45 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 6 पर है सिद्धि विनायक मंदिर। मुंबई शहर में स्थित यह मंदिर हिंदू भगवान गणेश को समर्पित है जो देश के सबसे व्यस्त धार्मिक केंद्रों में से एक है। यहाँ पर मौजूद भगवान गणेश की सूंड दाई ओर मुड़ी हुई है जिसके चलते उनको सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु हर साल बहुत दान करते हैं और इसी के चलते यह मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। नंबर 5 पर है बांद्रा वर्ली सी लिंक। यह शानदार ब्रिज मुंबई के पश्चिमी छोर पर स्थित बांद्रा और दक्षिणी छोर पर स्थित वर्ली को जोड़ता है जो वहां के लोगों की यात्रा को और आसान बनाता है। यह 8-लाइन केबल ब्रिज है जिसके ऊपर से तकरीबन 45,000 व्हीकल हर रोज गुजरते हैं। 5.5 किलोमीटर लंबे यह ब्रिज देश के सबसे बड़े केबल ब्रिजों में से एक गिना जाता है। नंबर 4 पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो भारत के मध्य रेलवे का मुख्यालय है। यह जगह पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानी जाती थी लेकिन वर्तमान में यह VT और CST के नाम से जानी जाती है। यह भारत में ताजमहल के बाद सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नंबर 3 पर है एलिफेंटा केव्स। यह शहर से 10 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के धरपुरी और एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यह गुफाओं के दो द्वीप है। पहले द्वीप पर 5 हिंदू गुफाएं और दूसरे द्वीप पर 2 बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। यह 5वीं से 8वीं शताब्दी में बनी शानदार गुफाएं हैं लेकिन यहाँ की मुख्य और सबसे बड़ी गुफा नंबर 1 है। यह गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है
नंबर दो पर है मरीन ड्राइव एंड चौपाटी। शहर की भीड़ भाड़ से आरामदायक समय बिताने के लिए यह एक खूबसूरत जगह है जो मुंबई आने वाले पर्यटकों में सबसे लोकप्रिय है। शाम का टाइम इस जगह को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है क्योंकि तब इस जगह की खूबसूरती अपने सातवें आसमान पे होती है। साथ ही साथ जग प्रसिद्ध चौपाटी भी यहाँ पर ही स्थित है जहाँ पर पर्यटक वहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं। और नंबर वन पर है गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई की यह जग प्रसिद्ध जगह वास्तुशिल्प का एक चमत्कार माना जाता है जहाँ पर पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के साथ फोटो लिए बिना मुंबई की यात्रा अधूरी है और इस शानदार इमारत की खूबसूरती इस बयान को साबित करती है। 26 मीटर ऊंचा यह भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक है जो प्रसिद्ध ताज होटल के सामने बना हुआ है।